हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आनंदी, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ बेबी केयर में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अलग और नई चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है मरुआ। जी हाँ दोस्तों, मरुआ आप लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मरुआ को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, मरुआ को हिंदी में अरुआ भी कहा जाता है और इसे एक तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मरुआ को अंग्रेजी में मरजोरम भी कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसे बहुत ही ज़बरदस्त औषधि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके घर में है तो समझ लीजिए आपके घर का माहौल भी बहुत ही अलग, बहुत ही खुशनुमा बना रहता है। इस मरुआ के पौधे से इसके जड़, फूल, पत्तियां, इसके फर, हर दाने, जड़, सब कुछ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब कुछ इसके औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल अगर किया जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कमजोरी, थकान, हरारत, अगर ऐसी सारी समस्याएं हैं तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको मरुआ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आप कम से कम 5 से 6 ग्राम अब मरुआ के बीज निकालें। ये भी मरुआ का जो बीज होता है, भी जैसे तुलसी का बीज पक जाने पे निकल जाता है, उसी तरीके से इसका भी बीज होता है जो कि पकने पे आप निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। या फिर अगर आप इसे मार्केट से भी खरीदना चाहें तो आपको मार्केट से भी मिल जाएगा। तो ही आपको 5 से 6 ग्राम मरुआ के बीज को ले लेना है और उसका पाउडर बना लेना है, और पाउडर आपको दूध में डालकर पी जाना है। आप रोज़ाना ऐसा करेंगे तो आपकी जो कमजोरी है, थकान है, ऐसी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। या फिर जिनको ज़्यादा अधकापारी या फिर माइग्रेशन की समस्या रहती है, तो उन लोगों को जो मरुआ की पत्ती होती है, उस मरुआ की पत्ती का लेप बना के अपने माथे पे, यानी जो सर होता है वहाँ पे रखने से जो सर दर्द होता है या फिर जो माइग्रेशन की समस्याएं होती है, 5 मिनट के अंदर ही इसे आराम मिल जाता है। जो जोड़ों में दर्द है या फिर कटकट की आवाज़ें आती हैं या फिर जो नसें वहाँ की अगर ब्लॉकेज हो गई है, खून जम रहा है, तो वहाँ पर आप पहले सबसे पहले जोड़ों पर इसको बांधने के लिए इस पत्ती का लेप बना लीजिए, मोटा, जैसे कि आप खलबट्टे में इसको कूट लीजिए। कूटने के बाद आपको ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रहे। इसमें आपको हल्दी मिला लेना है और हल्दी के साथ साथ आपको इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। आपको जहाँ पे सूजन है, दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जहाँ भी आपको ज्वाइंट पेन हो रहा है, आप वहाँ पर उसको लगा कर आराम से पट्टी से बांध लें या फिर कॉटन के कपड़े से बांध के आप रात के समय बांध कर आराम से सो जाएँ। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि अगर आपको मोटापा है, चर्बी है, आपका पाचन खराब है, आपको कोई खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, आपको डायबिटीज़, लीवर की समस्या है, तो ऐसे में भी आप जो है इसके फल का इस्तेमाल करें। जैसे कि मरुए के जो बीज होता है, उस बीज को भी जैसे कि थोड़े से दाने आप इसको लेकर खाकर गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। ऐसे में भी आपको इस परेशानी से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त का औषधि है। ये औषधि अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं तो आप पूरे परिवार को बहुत ही आसानी से हर बीमारी से बचा सकते हैं। और इस पत्ते के जो लेप होता है, इसे बालों में लगाने से बाल बहुत ही ज़बरदस्त काले, घने और मजबूत होते हैं। इसे जल्दी से बाल झड़ते नहीं हैं, जिससे कि जिनका समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, कंघी लगाते हैं, बाल पूरा कंघी में भर जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस मरुआ के पत्ते का लेप लगाते हैं अपने बालों में, तो आपके बाल भी बहुत ही डाई जैसे काले और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत और मुलायम हो जाएंगे। तो अगर आप भी अपने ऐसे समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पत्ता होता है उसका लेप अपने बालों में ज़रूर लगाएँ। और दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि जिन भी पुरुषों को कमजोरी, थकान, ऐसी सारी समस्याएं होती है और बाकी जो पुरुषों में जो अलग बीमारी है, जो अलग परेशानी होती है, उन सभी लोगों के मरुआ के बीज का इस्तेमाल दूध के साथ ज़रूर करना चाहिए। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। क्योंकि हमारे गाँव में भी जो घरों में इसका लगाया जाता है, वहाँ पर इस पौधे को दोने के नाम से भी इसको वहाँ पर जाना जाता है। लेकिन इसकी जो खुशबू होती है, बहुत ही अलग इसकी खुशबू होती है। अगर आप इसको एक पत्ती तोड़ लेते हैं ना, उस पत्ती का जो रस आपके हाथ में लग जाता है तो आपके हाथों में उसकी गमक लग जाती है। इसकी गमक बहुत ही अच्छी है। आप कहीं जैसे बाहर जा रहे हैं, अगर आपको परफ्यूम से, एक बात कहूँ, अगर जैसे कि आपको अगर परफ्यूम से एलर्जी है, तो आप इसके 2-3 पत्ते अपने पॉकेट में रख लेते हैं तो आप परफ्यूम का भी काम करेगा। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। जब तक उस पत्ते को अगर आप निकाल के फेंक भी देते हैं तो भी वो खुशबू आपके साथ बनी रहेगी। अगर छोटा सा टिप्स आप लोग को यहाँ पर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मरुए के फायदे आपको कैसे लगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटे को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी कोई भी नई नई वीडियो बने तो सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी एक अलग नए दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।